मध्य प्रदेश के निवाड़ी के टहरका में एक युवक के साथ पुलिस का बेदर्दी से मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद एसपी अंकित जायसवाल ने 3 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया था। लेकिन अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दे दिए। दरअसल पीड़ित ऋषि ठाकुर को नीरज सिंह बैस नामक युवक से 2000 रुपए लेने थे। जब ऋषि ने नीरज से पैसे मांगे तो गाली गलौज करते हुए ऋषि के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट करने के बाद नीरज खुद ही थाने पहुंच गया और ऋषि के नाम की रिपोर्ट डाल दी। 17 जून की शाम 7 पुलिसकर्मी भंडारे में पहुंचे और मारते हुए गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद खुले मैदान में ले जाकर 5 पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से ऋषि के हाथ पैर पकड़कर ऋषि की बेल्ट और डंडों से इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि वो बेहोश हो गया। कोई शाम है, शाम के 4 बजे आए भंडारे में। भंडारे में आज ऋषि को हमें घसीटो जैसे पुलिस वाले टेरका थाने 5 लोग आए, उसमें से उनके 2-3 के तो नाम हमें पता है, 2 लोगों के नाम पता है। उधर भी लोग आए तो हमें घसीटो, उधर मारो, उधर बैठा लेने के बाद उधर हमें यूपी में होके उल्लन होके घुमा के ले गए। उधर भूखसी गांव में एक डांग सी है, उधर रुकाओ, वो बस कह रहा कि आओ तुम्हें हम गले लगाएं। उधर घसीट के बाहर खींच के आओ हम तुम्हें गले लगाएं, तो बस गले लगाओ करते पीछे से मारे बहुत, इतने बिल्कुल सूर्य रखे। ये टहरका थाने का है, ऋषि सिंह ठाकुर ये निवासी गोवावली का है। इसके खिलाफ 2 रिपोर्टें आ गई थी, एक 8 से 10 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और एक परसों आई थी जी। परसों आई थी तो उसमें हमारी पुलिस गई थी टहरका पुलिस, वहाँ उसको पकड़ के लाए हैं, लेकिन उसके चोटे वोटे जो कहीं दिखाई है उसमें, तो उसकी जांच कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया उसमें 3 पुलिस वालों के नाम आए हैं जिनने मारा है। एक प्रमोद अटल है, कुलदीप रावत है आरक्षक, और ये मनोज शर्मा है। तो इनको तत्काल प्रभाव से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनको थाने से हटा दिया है, लाइन अटैच कर दिया है। वो वीडियो भी देखा है, एक हेड कॉन्स्टेबल और 2 कॉन्स्टेबल जो लेके आए थे, दोनों को लाइन अटैच कर दिया है और उसकी भी जांच के आदेश कर दिए।